तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज के बारे में बताने वाला हूँ। ये मैसेज आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये मैसेज मुझे मिला है। शायद आपको भी ये मैसेज मिला होगा, और अगर नहीं मिला है तो फ्यूचर में बहुत जल्दी आपको भी ये मैसेज मिल सकता है। तो दोस्तों, ये मैसेज एक्चुअली है क्या? ओके, और अगर जब ये मैसेज आपके मोबाइल पे आता है तो आपको क्या फ़ायदा है? और अगर आप इस मैसेज को देख के भी अनदेखा कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो ये सब सारी बातें मैं आज आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इसलिए आप बिना स्किप के वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। तो फिर चलिए, और देरी नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज, और आपका अपना चैनल राज टेक्निकल इन्फो में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो दोस्त पहली बार आए हमारे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक करिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इस तरह का यूजफुल वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो दोस्तों, बात करते हैं मैसेज के बारे में। तो ये मैसेज दोस्तों सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, गोसी वेबसाइट की तरफ से आपको मिलेगा। तो ये मैसेज आपको कब मिलेगा? तो दोस्तों, ये मैसेज आपको तब आएगा जब आपका आपके कंपनी के साथ या आपके कफिल के साथ में जब एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट होने से आपके मोबाइल पे इस तरह का मैसेज आएगा। तो दोस्तों, इस तरह का मैसेज जब आपके मोबाइल पे आता है तो आप इसे इग्नोर मत करिए, इसे जितना जल्दी हो सके इसका आप रिप्लाई करिए, ठीक है? और अगर मान लीजिए आपके पास भी मैसेज आता है, आप इसे अनदेखा कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, फिर क्या हो दोस्तों कि जो आपका एग्रीमेंट है 7 दिन के बाद में ऑटोमेटिक जो है कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद दोस्तों फिर हो सकता है कि आपके साथ में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ओके? इसीलिए जब भी आपके पास भी मैसेज आए तो आप इसको जितना जल्दी हो सके आप इसका रिप्लाई करिए। तो दोस्तों, मैं भी आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पे, और मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपके पास इस तरह का मैसेज आता है तो फिर आपको क्या करना है, ठीक है? तो चलिए, और देरी नहीं करते हैं और मैं ले चलता हूँ आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे। ओके दोस्तों, अभी चलिए सबसे पहले मैं अपना मैसेज ओपन कर लेता हूँ जो मुझे मिला है गोसी की तरफ से। ओके, लिखा हुआ गोसी, इसी से मुझे मैसेज आया है। जब आपका भी मोबाइल पर मैसेज आएगा दोस्तों तो आपके सामने इस तरह से शो होने लगेगा। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ गोसी government.sa, ठीक है? तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में दोस्तों क्रोम ओपन कर लेते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे ये अभी अरबी में ओपन हुआ, तो चलिए पहले मैं इसे इंग्लिश में कर लेता हूँ। यहाँ पर ये लिखा हुआ इंग्लिश, इस पर क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में हो जाएगा। ओके दोस्तों, और एक बात दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मेरा पहले से गोसी में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, इसलिए जब मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो गया, ठीक है? अगर आपका भी गोसी में रजिस्ट्रेशन होगा तो ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अगर आपका गोसी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो गोसी में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं दोस्तों? तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देख के आप आसानी के साथ गोसी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी क्या करना दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना कामा नंबर डालना है। ओके, मैंने अपना कामा नंबर डाल दिया। अभी आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड लिखना है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ 3597, आपको सेम टू सेम यहाँ पर ही लिखना है 3597। अब यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अभी आपको आप शेयर में जो भी नंबर लिंक रहेगा उस नंबर पे आपको ओटीपी मिलेगा दोस्तों, जैसे मेरा ओटीपी आ चुका है। ओके, ओटीपी लिखने के बाद में यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। ओके दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट लिखा हुआ है। आपका भी जब न्यू कॉन्ट्रैक्ट रहेगा या कोई पुराना कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, और उस कॉन्ट्रैक्ट पे और उस कॉन्ट्रैक्ट को जब आपकी कंपनी जब इसमें अपलोड कर देगी, गोसी वेबसाइट में जब अपलोड करेगी, तो आपके सामने इस तरह का मैसेज आएगा। दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर 13 अक्टूबर को मेरा ये एग्रीमेंट पेपर इसमें अपलोड किया गया है, और अक्टूबर 20 तक का मुझे इसे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। मैं कुछ भी अगर नहीं करता हूँ तो ये ऑटो कैंसिलिंग हो जाएगा, मतलब कि ऑटोमेटिक जो आपका है जो कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल हो जाएगा। तो आपको 7 दिन का टाइम मिलता है दोस्तों, आपको 7 दिन के अंदर में आपका जो भी रिप्लाई रहेगा आपको उसे करना है। तो चलिए, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ V1 ऑटोमेटिक में। दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस जो पेंडिंग शो कर रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक उसे एक्सेप्ट नहीं किया है इसलिए पेंडिंग शो कर रहा है। जैसे मैं एक्सेप्ट कर लूँगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड कॉन्ट्रैक्ट कॉपी एस ए PDF, तो मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट कॉपी को डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, PDF फाइल है तो इसे मैं PDF रीडर ओपन करता हूँ। ओके दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे मेरा कॉन्ट्रैक्ट पेपर आपके सामने में
आ गया, ठीक है। आपका भी जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर रहेगा दोस्तों, इसी तरह से आपका सामने में शो होने लगेगा। पेपर को डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके इसे इतना से पढ़ लीजिए कि इसमें क्या डेट है, क्या सैलरी है, कब से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, टोटल चीज़ आपको पूरा क्लियर इसमें लिखा रहेगा दोस्तों। आप इतना से पूरा पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद ही आप इसको एक्सेप्ट करिएगा, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर जो है मेरा सेकेंड टाइम आया है। तो जब फर्स्ट टाइम जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट पेपर जब आया था दोस्तों मेरे पास में, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम था, कुछ मिस्टेक, तो मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने अपने कंपनी से बात किया था कि सर ये प्रॉब्लम है मेरे कॉन्ट्रैक्ट पेपर में, तो मैं क्या करूँ, तो उसने कहा ठीक है आप इसे रिजेक्ट कर दीजिए, आपको दोबारा से पेपर मिलेगा। तो मैंने उस फर्स्ट टाइम मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर को रिजेक्ट कर दिया था। तो फिर से दोबारा मेरे पास ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर आ चुका है, अभी सब कुछ सही है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए आपसे भी ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने से पहले आप इसे डाउनलोड करके इत्मीनान से पहले पढ़ लीजिए क्या है क्या नहीं है, आपको सैलरी कितना है, कॉन्ट्रैक्ट डेट स्टार्ट कब से हो रहा है, एंडिंग कब हो रहा है, ठीक है। आप टोटल चीज़ आप इसको पहले क्लियर कर लीजिए, तभी आप इसे एक्सेप्ट करिएगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप जब एक बार एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर आप इसमें दोबारा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने पेपर ऑलरेडी पहले मैं डाउनलोड कर चुका था और इसे मैं पढ़ लिया हूँ, सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसे आप एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। तो एक्सेप्ट कैसे करेंगे दोस्तों, वापस चलते हैं अपना गोसी में। गोसी माने बाद दोस्तों देखिए आप ये पहले आपने डाउनलोड कॉन्ट्रैक्ट कॉपी किया था, ठीक है। कॉपी करने बाद में आपने पढ़ लिया, सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक। इसका नीचे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट, ओके। अब जैसे ही इस पर एक्सेप्ट पे क्लिक करिएगा तो जो एग्रीमेंट है अप्रूवल हो जाएगा, ओके दोस्तों। पहले वाला मैं कॉन्ट्रैक्ट को मैंने डिक्लाइन किया था दोस्तों क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम था। तो आप भी अगर आपके भी साथ में ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप इसे एक्सेप्ट ना करके कंपनी से बात करके इसे डिक्लाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका पेपर सब कुछ सही है, सैलरी वगैरह सब कुछ सही है, डेट वगैरह सब कुछ सही है, तो आप सिंपल इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। जैसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपके सामने, एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद में यहाँ पर आप टिक करिए, टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबमिट कर दीजिए, ओके दोस्तों। मैंने सबमिट कर दिया। पहले मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस जो था पेंडिंग में था, अब क्या है कि अप्रूव्ड हो गया, ठीक है। मतलब मेरा जो कंपनी साथ में जो है एग्रीमेंट हो चुका है, ठीक से। दोबारा जब ये मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा, जब मुझे न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो इसी गोसी वेबसाइट में मुझे मिलेगा, तो उसे मुझे अपना फिर से दोबारा उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ओके होगा। और मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट जो है लगातार कंपनी साथ में चलते रहेगा, ओके दोस्तों। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा ये मैसेज हम लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जब भी ये मैसेज आपके पास में आता है तो आप इसे जितना जल्दी हो सके आप इसका रिप्लाई करिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उनको भी इस मैसेज के बारे में मालूम हो सके। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है या आपके मन में किसी तरह का डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट में जरूर से रिप्लाई करूंगा। और अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, उसको नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं कोई भी आप लोगों के लिए इसी तरह का यूजफुल वीडियो बना के अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।